अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमज़ा अकेडमी। दोस्तों आज की वीडियो आईक्यू ऑप्शन पे होने वाली है। लाइव मैं आपके सामने जो है वो ट्रेडिंग करूंगा, तो मैं यहां पे लेवल्स कुछ लगा लूँ मार्केट जहां से जो प्रीवियसली रिवर्स हुई है। तो यार कमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। मुझे कमेंट आते हैं कि यार जो आप तरीका बताते हैं बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा दिन बैठे रहते हैं, हमें नहीं सिग्नल मिलता। यार एक बात मेरी आप सुन लो यार, आईक्यू ऑप्शन से कोई भी बंदा ना रातों रात अमीर नहीं हो जाता, ठीक है। और कभी सोचना भी मत, अगर कभी आपने सोचने की ये बात की तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी और आप बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर आपने ये बात की। मैंने 2 साल लगा के सीखा ये, मैं अभी भी ख़ुद को परफेक्ट नहीं मानता। जो रियल बात है बता रहा हूँ आपको, झूठ क्यों बोलूँ, अभी भी मैं ख़ुद को जो है ये परफेक्ट नहीं मानता इस पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी ट्रेडिंग जो है वो बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी मेरी ट्रेडिंग में आई है। उसका सामने लाइव प्रूफ भी आपके सामने है, मैं लाइव आपके सामने ट्रेडिंग करता हूँ। आपको भी अल्लाह का शुक्र है मैं इस काबिल हो गया हूँ कि आपको भी इस बारे में मैं बता सकूँ। तो आईक्यू ऑप्शन को समझने के लिए जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ आपके लिए, जो मैं तरीक़े बताता हूँ आपको, कम से कम 2 महीने आपने डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करनी है इसकी। जब आप 2 महीने डेमो अकाउंट पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आप देखें 2 महीने के बाद जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करेंगे आपको कितने सिग्नल मिलेंगे, सिग्नल की आपको बौछार मिल जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ऐसे तो परफेक्ट नहीं बन सकते, प्रैक्टिस करेंगे फिर ये परफेक्ट होंगे। तो प्रैक्टिस करें इस पर आप डेमो अकाउंट पर, जब आपको लग जाएगी यार वाकई नाउ आई एम परफेक्ट, तो फिर उसके बाद आप रियल अकाउंट पर जो है वो ट्रेडिंग करें। तो अगर कोई इस पे ज्वाइन होना चाहता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। और यार वीडियो को पूरा देखा करें, रिक्वेस्ट आपसे वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि यार आप ये चीज़ आपने नहीं बताई, ये चीज़ आपने नहीं बताई, ये चीज़ बताई, हालाँकि वो चीज़ मैंने वीडियो में बताई होती है। लेकिन यार फिर कई लोग आदत से मजबूर हैं, मैं क्या कह सकता हूँ यार, छोड़ो। तो मुझे यहाँ से मैं सिग्नल ढूंढ रहा हूँ, मुझे मेरी कैंडल मिले, जो मेरी कैंडल है जिस कैंडल में मैंने ट्रेडिंग करनी है वो मिले तो फिर ही मैं ट्रेड लगाऊंगा। मुझे अपनी कैंडल ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, देखें बहुत खूबसूरती से बार बार मार्केट इस लेवल से रिवर्स हो रही है। तो यहाँ पर भी हाँ जी इसी लेवल से इसने रिवर्सिंग दी है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है बहुत ज़्यादा। हम ट्रेडिंग लगाते हैं वीक कैंडल पे, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल पे जब हम ट्रेडिंग लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी कंडीशन होती हैं जब हम स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ट्रेड करते हैं, अदरवाइज़ हम मोस्टली जो ट्रेडिंग करते हैं अपनी वीक कैंडल्स पर। तो ये तो यहाँ पे हैमर बन रहा है हमारे पास बहुत प्यारा। तो देखते हैं ये कहाँ तक इसका जो है, कहाँ तक इसकी क्लोजिंग होती है। तो हाँ जी बहुत प्यारा हैमर बना है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे आए इस लेवल को टच अगर कर दे, अभी मुझे रिजेक्शन चाहिए, रिजेक्शन प्यारी सी रिजेक्शन चाहिए। नहीं अभी नहीं, अभी भी नहीं। रिजेक्शन मुझे बस चाहिए खूबसूरत सी, 3-2 और ओ शिट, एंड टाइम पे मुझे रिजेक्शन मिली थी, मैंने मतलब ट्रेड मिस ही मेरी होगी। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये देखें रिजेक्शन लेट मिली थी, ट्रेड लगाई थी मैंने लगी नहीं थी, कितना ऊपर चला गया ये। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ,
स्पोर्ट लाइंस। तो हाँ जी, ऊपर वाले लेवल से ये हो गया टच, इसने कर लिया टच। तो यहाँ पे हम लेवल भी लगा लेते हैं कुछ। तो क्या इसको ये टच करेगा? वो इस लेवल को टच करके इसने थोड़ी सी लंबी रिजेक्शन दी, तो नेक्स्ट कैंडल के यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसको टच तो नहीं कर रही है। 3 2 नहीं, इस लेवल को इसने टच नहीं किया, लेकिन इसके बिल्कुल क्लोज में इसने ओ यार ये क्या। तो इस लेवल की टचिंग हो गई है, टच कर लिए इसने इस लेवल को। तो अभी मुझे यहाँ पे अगर ये मुझे वीक कैंडल मिल जाती है, शूटिंग स्टार, यहाँ पे अगर मुझे शूटिंग स्टार मिलता है, शूटिंग स्टार मतलब यहाँ पे इसकी बॉडी हो और लंबी इसकी वीक हो, तो बहुत ही प्यारी कैंडल होगी मेरे लिए ये। शर्त यह है कि इस लाइन से नीचे इसकी बॉडी क्लोज हो। जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन ये लगाई है ना, इस लाइन से नीचे इसकी बॉडी जो है वो क्लोज होनी चाहिए। फिर ही मैं डाउन की ट्रेड का जो सोच सकता हूँ नेक्स्ट कैंडल में रिजेक्शन पे। और ये कैंडल होनी चाहिए वीक, नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गई ये। तो फिलहाल हम यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम ढूंढ रहे हैं अपनी मतलब की कैंडल। यहाँ पे यार बहुत प्यारी कैंडल बनी है, मुझे रिजेक्शन मिले मैं ट्रेड लगा दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैंडल। हाँ जी, ये रिजेक्शन मिली है, देखें कितनी प्यारी, परफेक्ट मेरी ट्रेड है। 90% मेरी ट्रेड विन करूँगा। वाई वजह क्या है? देखो यार, लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से इस लेवल से हुई है रिवर्स, ये देखो। ठीक है, बहुत प्यारा स्पोर्ट लेवल है। कितना प्यारा है इसने, मतलब यहाँ आने के बाद बहुत प्यारी रिजेक्शन दी है इस लेवल से। पीछे भी इसने वर्क लाजमन किया होगा, ये देखें। यहाँ भी इसने वर्क किया है बहुत नज़दीक से, ये देखें। तो यहाँ भी इसने वर्क किया है बार बार। तो बहुत प्यारा ये स्पोर्ट लेवल है हमारा। यहाँ तक ये यहाँ पर इसने मुझे दिया हैमर, देखें। स्पोर्ट लेवल पर इसने मुझे दिया हैमर, दो पहला स्पोर्ट लेवल, दूसरा स्पोर्ट लेवल पे हैमर। और तीसरा रूल हमें चाहिए था बोलिंजर बैंड को टच करना, ठीक है। बोलिंजर बैंड को भी टच किया इसने, तीनों रूल किए हैं पूरे। और चौथा सबसे लास्ट हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, या नीचे तक आने के बाद मुझे रिजेक्शन दिया स्पीड से। अब इसमें इस लाइन को टच करने के बाद इसे मुझे रिजेक्शन दिया स्पीड से। तो मैंने अब की ट्रेड लगा दी है, रिजल्ट आपके सामने शो हो गया है। कितनी बड़ी इसने मुझे अचीवमेंट दी है किसने, इन सब मैंने सब रूल फिलफुल किए हैं। उम्मीद है कि यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।